भाई यहाँ पर देखो इसके लिए हुक्का आ गया, ये ले हुक्का भी आ रहा है। भाई मेरी चप्पल बन के तैयार है, ये देखो चप्पल देख चप्पल। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, अब सभी का वेलकम बैक हो चुका है मानस कांड व्लॉग्स के एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत बहुत जल्दी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ दिनों तो हो नहीं पा रही थी, तो हम सोचे जल्दी करते हैं। वैसे इतनी गर्मी हो रही है, हर बार बता रहा हूँ मैं, टी शर्ट में बैठा हूँ बिल्कुल पतली सी, पसीना आ रहा है, समझ लो आप कितनी गर्मी हो रही है। और मम्मी अभी कुछ बाहर आए थे अंकल एक, तो मम्मी मुझे बुला रही थी, देखता हूँ कौन आए हैं। तो गाइस यहाँ पर अंकल आए हुए हैं और अंकल वो बनाएंगे। अंकल क्या बना रहे हो? मोर बना रहे हैं भाई, खाने वाला मोर चार। और अंकल अलग अलग बनाना ठीक है, अलग अलग। क्या क्या बनाते हो वैसे आप? चप्पल है, घड़ी है, अंगूठी है, मुर्गा है, जूता है, हवाई जहाज है, अंकल एक हवाई जहाज बना दो। मम्मी बड़ी चीज है, 25 रुपए जो 25 रुपए की है। अंकल मेरे लिए चप्पल बना देना, मैं चप्पल खाऊंगा ठीक है। यहाँ पर देखो इसके लिए हुक्का आ गया, ये ले हुक्का भी आराम से। सही है। सारी चीजें सही बन रही थी, लेकिन भाई हर्षित को दोबारा से मोर खाना था, तो उसने अपने लिए मोर बनवा लिया और दीदी को ही मोर खिलवा दिया। अंकल चप्पल बना रहे ना मेरे लिए? चप्पल बन के तैयार है, ये देखो वही चप्पल, देख चप्पल। मस्त है ना? मस्त है नहीं है? मजा आया भाई इसके हुक्के में? उतना मजा नहीं है जितना चप्पल में। दिव्यांश नहीं खा पाया, उसको दोस्तों साथ खेलने की पड़ी थी। चलो मेरे पास चप्पल आ गई और इसपे एक हुक्का और एक क्या है मोर। भाई एक चीज मैं लिटरली सही बता रहा हूँ बिल्कुल, भाई बचपन में जो जो चीजें आती थी ना, वो जैसे कि अब हर्षित और दिव्यांश बड़े हो रहे हैं ना, उनको अब नहीं पता जा रहा इन सब चीजों के बारे में, लेकिन मम्मी हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोगों ने खाई थी बचपन में भी ना, हम खाते रहते थे यूजुअली। खाओगे मम्मी? टेस्ट करिए देखो, मुझे पता है कैसा होता, मैंने खा रखा है। मम्मा को टेस्ट कराता हूँ मैं। मम्मा लो, क्यों मीठा मीठा मस्त अच्छा लग रहा है? मैंने खाया नहीं। कि मम्मा को चप्पल इतनी अच्छी लग रही है कि मम्मा को तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, ये देखो। और उन अंकल को ना हवाई जहाज बनाना भी आता था, एरोप्लेन, लेकिन वो महंगा दे रहे थे अंकल, और उतने पैसे थे ही नहीं हम पे। 25 रुपए का वो बहुत बड़ा बनेगा ना, बहुत ज्यादा बड़ा। आपका बचपन की ताजे, मतलब बचपन की यादें ताजा करो अपनी। खाओ खाओ, वरना गोलू को दे देंगे, हर्षित को दे देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा छोटा वही है और उसको ये सब चीजें खाना अच्छा लगता है ना। ये लो चप्पल भी खाओ, चप्पल खाना अच्छा लगता है ना तुम्हें, चप्पल खाओ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मैं फटाफट से नहा लेता हूँ, क्योंकि भाई उसके बाद फिर एक बार कॉलेज भी जाना है कुछ काम से, तो वो भी करके आएंगे काम, और अभी चलता हूँ मैं नहा कर आता हूँ। तो गाइस मैंने तो नहा लिया भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से, कपड़े पड़े पहन लिए, और अभी पापा ने इन लोग को पढ़ाने बिठा दिया। पापा ने कहा तुम बहुत देर से हुक्का पी रहे थे, एक जन चप्पल खा रहा था, तो बैठ के पढ़ाई करो। मम्मी मैं जा रहा ठीक है, अभी आऊंगा मैं एक घंटे बाद, आज जा रहा कोई काम नहीं है, बस फाइल लेनी है अनुराग से, अब मैं निकलता हूँ सीधे कॉलेज के लिए। मम्मा जा रहा हूँ मैं ठीक है, आज कॉलेज कॉलेज अभी एक घंटे का काम है, बस आ जाऊंगा खेल ले, नहीं अच्छा। फाइल लेनी है, बस फाइल लेनी है। Concrete jungle, no suburbia, I just want somewhere that the blue skies are. आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद आज दोबारा आया हूँ नवीन छात्रावास। लंबे अरसे के बाद दोबारा मुझे यहाँ पर आना पड़ गया अपने भाई के पास। ब्रो एक तुम्हारे एक फाइल तुम्हारे दोस्त को दी थी यार, फाइल लेने आए हो। एक तुम्हारे भाई को दी थी मैंने फाइल, उसने पता नहीं कहाँ डाल दी वो फाइल। एक चीज मैंने उसको दी थी, किसको? नागेश को, और नागेश ने पता नहीं कहाँ रखी है वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते इधर देखते हैं क्या चल रहा है। भाई साहब, लाला भाई अभी सोया हुआ है बंदा, अभी सारा काम तो मेरा हो गया, अब मैं दोबारा से निकलता हूँ घर के लिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि हॉस्टल में रहते हैं तो मस्त जिंदगी जीते हैं, है ना, खुल के जिंदगी जीते, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मतलब मजे भी तो होते ही हैं, लेकिन दोस्तों के साथ मजे होंगे ऑब्वियसली बात है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। एक तो लाइट की, भाई लाइट नहीं आती दिन दिन भर यहाँ पर। घर पहुँचा भाई, इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर भाई, बहुत ज़्यादा, तो इंसान बेचारा जैसे पानी नहीं है ना, वो तो मर ही जाना है। और ये देखो ये मेरे लिए क्या लेकर आया, पापा ने भी काटा हुआ ना, तो सीधे डायरेक्ट मेरे लिए यही लाया। कोई स्विमिंग पूल बनाएं क्या घर पे? हाँ हाँ बताओ। तो हम लोग ये कह रहे हैं ना कि हम लोग को पन्नी चाहिए स्विमिंग पूल बनाने को, पापा दिलवा दो ना प्लीज, बड़े पापा दिलवा दिला दो। भाई मम्मी को बड़ी खुजली रहती है हर टाइम की, मम्मी आपको क्या खुजली है, क्यों नहीं लेने दे रही हो ना स्विमिंग पूल लेने दे रही हो? हाँ पापा दिलवा दो ना, इनकी बातों में कहाँ आ रहे हो, मम्मी दिलवा दो ना यार, पन्नी दिलवा दो बस, पन्नी फालतू बातें क्या हो रही है ना, मैं चक्कर में रहता हूँ
अरे आपको भी नहलाएंगे ना, डुबकी लगवाएंगे आपको एक बार। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पता कर रहे हैं, मैं और दिव्यांश वो रोड पे किनारे बैठे हुए अंकल लोग ना उनसे पता करेंगे, हमारा पूरा स्विमिंग पूल पता करेंगे, जो आता नहीं प्लास्टिक वाला वो। चले पता करेंगे, दिलवाने तो ऐसी नहीं है किसी को। जहाँ तेरा कॉलेज है वहाँ देखते कितने बड़े बड़े लगा रहे हैं। तो भाई वो छोड़, वो तो बहुत महंगे हैं। पहले खाना खाएंगे अभी आकर, पहले जा रहे हैं। मैं समझो मैं पीछे नहीं लगी रहूंगी किसी के, मैं सच्ची बता रही हूं, खाना उठाऊंगी किचन में रखूंगी, उसके बाद देखते रहना आकर खा। यहाँ पर मुझे मान मिला, मैं तो जा ही रहा था तो मान ने मुझे सजेशन दिया। पहले भाई गाड़ी बंद कर, आवाज आ रही तेरी गाड़ी की। तो भाई सजेशन दे मुझे, क्या दे रहा था स्विमिंग पूल का? भाई तू जाओ खिलाना कर, तुम लोग वहाँ से तुम स्विमिंग पूल खरीदो, बहुत सस्ता मिल जाएगा, चीप एंड बेस्ट, 1450-1500 रुपए तक का। लेवल सबके निकलेंगे। पानी भरने में भाई बहुत बैंड बच जाता है, 3000 लीटर पानी भरना पड़ता है। और वेट वेट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कि मेरे पापा बैठे हैं उसमें? कोई दिक्कत नहीं भाई। इस बार भी घर पे आया और मैंने पापा लोग को सजेशन दिया। पापा पापा बताओ, पापा बताओ, पापा हाँ, पापा हाँ, पापा हाँ, क्या हाँ कर रहे हो? क्या हाँ? सिंपल दिलवा दो ना प्लीज प्लीज, हम बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? नहीं। चाचा तो हाँ कह रहे, पापा भी मना है, पर चाचा हमें ले जाएंगे, हम लेके आएंगे। भाई हमें तो पापा पे भरोसा है कि पापा दिलवा देंगे। ये बड़े पापा तो जा रहे हैं ड्यूटी, पापा शाम को चलोगे? हाँ। लेने पता करके चले आएंगे। मैं नहीं, ओके फिर से तू लेट जा प्लीज 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 प्लीज। भाई यहाँ पर दिव्यांश और हर्षित ने नया काम कर दिया है। क्या काम करा भाई तुमने? क्या काम करा है भाई? यहाँ देखो, पहली बात तो पंखा बंद कर दो, बहुत शोर होता है, इसकी वजह से फर 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 आता रहता है। भाई इन्होंने यहाँ पर एक गद्दा डाला है, ऊपर से ये लगा दिया है। भाई कोई टेंट हाउस वाले हो गए तुम दोनों? मैं इसके अंदर आने की ट्राई कर रहा हूँ, हर्षित पीछे धक्का दे दे रहा भाई। अरे ओए ओए भाई, धक्का दे दिया इसने मुझे। भाई तो मस्त जगह है भाई, ये देख रहे हो क्या कर रहा है भाई वो पीछे से? पता नहीं मेरी क्या कर रहा है यार, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन हर्षित के लिए बढ़िया है भाई, हर्षित आराम से सोया हुआ है। यहाँ पर पंखा और लग जाए यहाँ पर एक छोटा सा, मजा आ जाएगा कसम से, ना मच्छर भी नहीं आएंगे यहाँ पर, कुछ नहीं होगा, सबसे बेस्ट। हम दोनों भाई निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग ये बहुत सारा काम करने वाले हैं गर्मी से रिलेटेड, है ना? बस एक बार सक्सेसफुल हो जाए वो काम। भाई हम लोग बनाने वाले हैं स्विमिंग पूल, देखते हैं कि बन पाता है या नहीं बन पाता है। स्विमिंग पूल बनाना है तो उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए होगा, जो कि हम पे रखा है, और थोड़ा सा सामान अवेलेबल है भी नहीं, तो देखते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आई थिंक ये जगह बेस्ट है ना, बढ़िया जगह है ये। यहाँ पर सामान आ चुका है, और ये देखो ये आ गई पन्नी हमारी, ठीक है? अब देखते हैं कि पन्नी सही है या नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। और ईंटें कुछ यहाँ पर पड़ी थी और कुछ और भी हैं, जो इस दिन का हम अभी लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं, लेकिन बन जाए, है ना? So run with me, if we leave right now, we might make it in... थोड़ी देरी हुई थी, हमारा काम स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर भाई गड़बड़ हो गई, ईंटें कम पड़ गई हैं। मैंने कहा था ईंटें कम पड़ेंगी, अभी पता है कितनी ईंटें चाहिए होंगी? कम से कम 20 से 25 ईंटें आराम से चाहिए। चलते हम लोग ऊपर और ईंटें लेकर आते हैं। मैंने भाई ईंटें कुछ इस तरीके से रख दी हैं, और ये इसको लेकर चलता हूँ मैं नीचे, ठीक है ना? नीचे आ चुके, पसीना देख रहे हो? कोई बात नहीं, और ईंटें आ गई हमारी, और अब भाई फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं, फटाफट से, ठीक है ना? आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है। हम ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन मुझे उचित नहीं लग रहा है ये टाइम पे ये काम करना, पता है क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाना है। तो ये सोच रहे हो कि भाई तुमने पहले से प्लान करा हो और हम लोग को पागल बना दिया। नहीं भाई, तुम्हें पागल बिल्कुल नहीं बनाया है। दिमाग में एक चीज़ तगड़ी सी आई ना कि भाई मैं अलग से दिखाऊंगा ना, कुछ तगड़ा दिखाऊंगा आप लोगों को। मेन चीज़ तो ये है ना, मैं पता है क्यों नहीं बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे ईंटे की कमी लग रही है भाई, ईंटे हो ही नहीं पाएंगे हमारी, हमारे पे ईंटे हैं ही नहीं, तो कहाँ से कर लेंगे, है ना? और अभी हम लोग इसको यहीं छोड़ कर जा रहे हैं। आ चुके हैं गाइस हम लोग घर पर, और भाई पापा कह रहे हैं कि इसके बाल हटा कर लाओ, ये जंगली जैसा हो चुका है। तो जंगली हो चुका है पापा का कहना है भाई, पापा का कि ये जंगली हो गया है, तो भाई इसको जंगली को सही करा कर आते हैं। पापा दीदी बहुत अच्छी तरीके से कुछ बना रही है यार। क्या बना रही है ये? क्या ये प्रोजेक्ट है उसका? भाई जो भी है अच्छा बना रही है, ये टाइम पास कर रही है, मतलब भाई टाइम पास। पहले इसको ही भेज दिया मैंने तो बाल कटाने। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमा, बाल कटवा दिए इसके मैंने। और ये देखो, दिखाओ एक शक्ल, दिखाओ अपनी, ये देखो आज क्यूट वाला दिव्यांश दिख रहा है, पर लड़की वो वाला दिव्यांश। भाई दिव्यांश स्कूटी से तेज मोड़ता है ना, मुझसे भी ज्यादा तेज। मैं पहले पता है जो मोहल्ले में रहते थे ना सब लोग हमारे जानने वाले, तो वो कहते थे कि मन्नू बहुत तेज गाड़ी चलाता, मतलब मैं, मेरा निकले मन्नू है ना इसलिए। और अब इसको मैं ला रहा, इसको कहेंगे पक्का तेरी शिकायत होगी कहीं ना कहीं। भाई आ चुके हम लोग घर पर, और आजा आजा पहले मम्मी के पास चलो। मम्मा अब बताओ ये कैसा, सही है या नहीं है? ये क्या है? ये देखो
एक नंबर रोड पे। अब आ गए गाइस हम लोग ऊपर खाना खाने और इसने भी नहा लिया, लेकिन मैं अभी नहाऊंगा भाई, गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। और यहाँ पर दीदी ने आज भाई यहाँ पर जो पनीर बचा हुआ था थोड़ा सा, उसका दीदी ने क्या बना दिया, पापा क्या बोलते हैं इसको, भुर्जी, भुर्जी, पनीर भुर्जी और यहाँ पर रोटी। आ चुका हूँ नीचे और चलो गाइस फटाफट से एडिटिंग करने बैठता हूँ। और आज तो लैपटॉप भी नीचे ही आ गया, वो रिको सामने पड़ा है ना, तो फटाफट से मैं बैठता हूँ एडिटिंग करने। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल फिर मिलते हैं एक बहुत ही मस्त व्लॉग के साथ, तक के लिए बाय बाय।